दोस्तों आपने टाइटल तो यहां पर देख लिया होगा, वाई बाई नथिंग फोन वन। आइए तो जानते हैं इसका जवाब इस वीडियो के अंदर। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पसंद आता जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं आखिर नथिंग फोन वन हमें क्यों बाई करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नथिंग फोन वन की। सबसे पहले तो ये जो स्मार्टफोन है तो मतलब काफी हाइप्ड स्मार्टफोन है, एंड जो उसकी हाइप है वो कहीं ना कहीं दोस्तों जो है रियल भी हमें यहाँ पर लगती है, मतलब कुछ चीज़ों पर ये खरा भी उतरा है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इसकी प्राइसिंग को लेकर, इसकी जो प्राइसिंग है वो 32,999 रुपये की जो इसकी प्राइसिंग पर इसको लॉन्च किया गया है। एंड अगर आप इसको पहली सेल में लेते हो तब आपको ये 31,999 रुपये के पैसे मिलने वाला है। लेकिन बस प्राइस यहीं पर नहीं थमती है, यहाँ पर इसके बाद आपको अगर चार्जर लेना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर 1500 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको केस वगैरह लेना है तो उसके लिए आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। एंड इसके अलावा अभी यहाँ पर थमा नहीं है, साथ में आपको अगर यहाँ पर जो है स्क्रीन की प्रोडक्शन लेनी है तो भी आपको नथिंग के पास जाना पड़ेगा, एंड उसके लिए आपको यहाँ पर 1000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। फिलहाल ही दोस्तों मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप लोग कर लीजिएगा। एंड जो उसकी कॉस्ट है वो मतलब काफ़ी ज़्यादा पड़ने वाली है, मैं यही बोल रहा हूँ कि 35,000 रुपये के आसपास आपको ये फ़ोन देखने को मिलने वाला है। एंड अगर इस फ़ोन का लेने के मेन रीजंस की अगर हम बात कर लेते हैं, बाकी फीचर्स वगैरह तो आप मेरे और वीडियोस देख सकते हैं, उसमें पता चल जाएंगे आपको, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा देता हूँ उससे। यहाँ पर तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर जो है डिस्प्ले मिल जाता है 6.5 इंच का ओएलईडी डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश मिलता है, 240 हर्ट्ज का यहाँ पर टच स्क्रीन मिल जाता है, इसके अलावा तो स्टैंड बीट डिस्प्ले आपको मिल जाता है। एंड साथ ही यहाँ पर आपको जो है 1200 निट्स के यहाँ पर पीक ब्राइटनेस आपको देखने मिल जाती है, एंड ओवरऑल ग्लास 5 की प्रोडक्शन यहाँ पर मिल जाती है। तो बाकी इसके अलावा जो है स्नैपड्रैगन 778G प्लस का चिपसेट आपको मिलता है, एंड साथ में कैमरा जो है आपको डुअल मिल जाता है, 50-50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर डुअल कैमरा मिलता है, एंड जिसमें जो पहला जो है वो आपका IMX766 यानी कि सोनी का सेंसर मिलता है, एंड जो दूसरा है सैमसंग का J1 मिल जाता है। फ्रंट की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, एंड सोनी का IMX471 सेंसर मिल जाता है। बैटरी की बात करते हैं तो आपको 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है, साथ में आपको यहाँ पर जो है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, जो कि चार्जर आपको बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है, एंड आपको यहाँ पर जो है वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है 15 वॉट की, एंड 5 वॉट की आपको जो है यहाँ पर रिवर्स चार्जिंग यहाँ पर देखो मिल जाती है। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको मिल जाता है, एंड्रॉइड 12 के साथ फोन आता है, 3 साल का आपको OS अपडेट मिल जाता है, एंड 4 साल का आपको यहाँ पर सिक्योरिटी पैच अपडेट देखो मिल जाता है। ओवरऑल 12 5G बैंड का सपोर्ट आपको मिल जाता है, Wi-Fi 6 देखो मिल जाता है, एंड फोन जो है यहाँ पर LPDDR5 एंड UFS 3.1 स्टोरेज को यहाँ पर सपोर्ट करता है। ओवरऑल तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन इस फोन के अंदर देखो मिल जाते हैं। एंड मेनली आप आते हैं पॉइंट पर, तो हमें इस फोन को क्यों बाई करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मेन रीजन यहाँ पर क्या होते हैं फोन को, दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे इसके हम डिजाइन को लेकर। डिजाइन दोस्तों यहाँ पर इस बार जो पेश किया गया है वो काफी नया एकदम, मतलब डिजाइन पेश किया गया, सबसे ज्यादा जो लोग यहाँ पर इसकी तरफ भागेंगे वो है यहाँ पर इसकी डिजाइन को लेकर, एकदम न्यू लुक पेश किया है। एंड जो पीछे स्ट्रिप वगैरह यहाँ पर LED स्ट्रिप दी हुई है तो वो एक काफी अच्छी चीज यहाँ पर लगती है। एंड दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर दूसरे रीजन की तो वो है आपका यहाँ पर नथिंग OS देखो मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पर स्टॉक UI देखने को मिल जाती है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं आप इस प्राइस रेंज के अंदर यहाँ पर पिक्सल का मजा पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, एकदम जो इसकी UI है काफ़ी स्मूथ है, कोई भी लैग स्टेटर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत सारे रिव्यूज वगैरह मैंने देख चुका हूँ यहाँ पर हैं, तो उस बेस पर यहाँ पर बता रहा हूँ, मतलब काफ़ी सारे जो है लोगों ने बताया हुआ है कि यहाँ पर कोई भी स्टेटर कोई भी लैग वगैरह आपको UI में यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं, एकदम क्लीन एक्सपीरियंस होता है, कोई भी आपको यहाँ पर ब्लॉटवेयर नहीं मिलता है, कोई एड्स नहीं मिलता है। एंड साथ ही एक रीजन में और देना चाहूँगा दोस्तों, काल पाई जो है आने की जो इसके CEO हैं तो वो क्या कि उसको यहाँ पर वन प्लस में भी थे, तो यहाँ पर वन प्लस के जो फोन थे यहाँ पर आप देख रहे होंगे काफ़ी गजब लेवल के फोन, यानी कि एकदम जो है क्लीन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर होता था, एंड वही सेम चीज़ यहाँ पर नथिंग में भी होने वाली है। एंड ये फोन भी आपको आगे यहाँ पर और भी ज़्यादा बेटर यहाँ पर असर देखने को मिलने वाले हैं। एंड अभी क्या है कि यहाँ पर जो सीन है ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है कि आपको एकदम क्लीन एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है। एंड साथ ही जो तीसरा रीजन यहाँ पर निकल के आता है वो तो यहाँ पर है इसका अपडेट, 3 साल का आपको यहाँ पर OS का अपडेट यहाँ पर प्रॉमिस किया जा रहा है, एंड 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट आपको यहाँ पर दे दिया जाता है। तो ये मोस्टली जो है यहाँ पर क्या किया, तो यहाँ पर ये 3 रीजन ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इस फोन को लेने पर मजबूर करता है। एंड 4th रीजन है दोस्तों वो है यहाँ पर इसमें वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है इस प्राइस रेंज के अंदर, तो ये एक काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। बाकी हाँ एक फ़ोन और भी दोस्तों है जो कि सैमसंग का शायद S20 FE है, जिसके अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग मिल रही है, वो भी आपको 34,000 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता है, तो एक वो ऑप्शन भी आपके लिए यहाँ पर हो सकता है अगर आप वायरलेस चार्जिंग ही यहाँ पर चाहते हो। एंड दोस्तों यहाँ पर 6th रीजन है वो है तो यहाँ पर इसका कैमरा,
जो यहाँ पर कैमरा सेटअप यूज़ किया गया है, भले ही उसके यहाँ पर दो कैमरे यूज़ किए गए लेकिन दोनों ही पावरफुल कैमरे यूज़ किए गए हैं। पहले में सोनी का सेंसर मिलता है एंड दूसरे आपको सैमसंग का मिल जाता है। जो ये ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर की गई वो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से की गई, एकदम बिल्कुल मतलब पिक्सल 6A के बराबर आपको यहाँ पर इमेज क्वालिटी आपको यहाँ पर निकाल के दे देता है। एंड जो मेरे फ्रंट की बात करेंगे अगर आप, वहाँ पर थोड़ा सा बोलूँगा कि एवरेज मतलब देखने को मिलता है, लेकिन रियर के अंदर तो यहाँ पर काफ़ी गजब काम किए गए हैं। जो फुटेज वगैरह मैंने सैम्पल वगैरह देखे हैं बहुत ही गजब की फोटोज यहाँ पर निकल के आती है, तो ये भी एक रीजन बन जाता है। तो अगला रीजन है दोस्तों वो है यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है तो LPDDR5 एंड UFS 3.1 स्टोरेज से देखो मिल जाता है, तो आपको जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो यहाँ पर काफी अच्छी देखो मिल जाती है। अगर नेक्स्ट रीजन की अगर बात करते हैं तो वो है तो यहाँ पर इसका चिपसेट। मेन चीज क्या की है तो यहाँ पर चिपसेट बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा लेकिन जो चिपसेट यहाँ पर यूज किया गया है ये परफॉर्मेंस पे काफ़ी स्टेबल रहता है। उस तो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलती है वो काफ़ी गजब की मिल जाती है, आप गेमिंग वगैरह यहाँ पर आराम से कर पाते हो। एंड यहाँ पर जो इसका थ्रॉटलिंग टेस्ट वगैरह देखा है मैंने उसमें क्या है कि नो थ्रॉटलिंग आपको देखने को मिलती है, लेकिन अभी यहाँ पर कहीं कहीं जो है अभी सलीम बाबा टेक्निकल उन्होंने यहाँ पर इसका भी टेस्ट किया है, तो वहाँ पर क्या है कि जो उसका एंटीटी स्कोर है वो काफ़ी कम देखने को मिला है एंड साथ ही थ्रॉटलिंग भी वहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन मैंने और भी यूनिट्स देखे हुए हैं वहाँ पर क्या कि जीरो थ्रॉटलिंग मतलब यहाँ पर 0% थ्रॉटलिंग आपको देखने को मिलती है, तो ये कहना है पर मुश्किल होगा कि यार कुछ यूनिट्स में शायद हो सकता है मे बी प्रॉब्लम हो या फिर उनका जो जिन्होंने चेक किया है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल के लिए यहाँ पर जैसे कि मैंने कुछ ज़्यादातर फ़ोन देखे उसमें थ्रॉटलिंग तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हो रही है, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने वाली होती है। तो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर काफ़ी गजब की मिलने वाली है, कोई भी जिटर वगैरह आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलता है। तो यही सारे कुछ रीजन है उस तो यहाँ पर जिसकी वजह से आप यहाँ पर नथिंग फ़ोन को आपको बाय करना चाहिए। एंड इसके अलावा तो मैं एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आप इसे बाय करना चाहते हो तो फर्स्ट सेल में तो बिल्कुल बाय मत कीजिएगा, करीब एक महीने का इसको यहाँ पर वेट कर लीजिए और रिव्यूज़ वगैरह यहाँ पर देख लीजिए, उसके बाद मैं बोलूँगा कि आप इस फ़ोन को यहाँ पर बाय कीजिए। बाकी ओवरऑल तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर होने वाला है। मैं ये भी बोलूँगा कि यार कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए इस फ़ोन के अंदर। फिलहाल के लिए जरूर से वेट कीजिए एक महीने का एंड उसके बाद में इस फ़ोन को बाय कीजिएगा। एंड साथ ही दोस्तों ये जो स्मार्टफोन इसके साथ आपको यहाँ पर चार्जर भी बाय करना पड़ेगा। एंड जो प्राइसिंग है वो अगर आपको मैच खाती है तभी मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास HDFC का कार्ड है 2000 रुपये का ऑफ वहाँ पर देखो मिलने वाला है, तभी इस तो इस स्मार्टफोन की आप तरफ देखेगा। एंड बाकी इस तो आप अगर नए डिजाइन की तरफ से चाहते हो यानी कि जो रीजन मैंने बताए केवल आपको इन्हीं रीजन से मतलब है, आपको प्राइसिंग से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तब आप यहाँ पर नथिंग फोन वन को जो है डेफिनेटली बाई कर सकते हो बस एक महीने के बाद में। तो फिलहाल इस तो वेट कर लीजिएगा। आज का वीडियो तो आपको कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो फिलहाल लाइक कर दीजिएगा। एंड साथ ही नेक्स्ट वीडियो में तो हम यहाँ पर इसके कॉन्स के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, तो क्या क्या कॉन्स देखने को मिलते हैं, क्यों आपको ये बाई नहीं करना चाहिए, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो उस पार्ट के लिए भी वेट कीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आया जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।